फैसलाबाद में आलमी और मुल्की सूरतेहाल के पेश नजर दो रोजा उलमा और मशाए कन्वेंशन मुनक्कद किया गया, जिसकी सदारत मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार ने की। इस इजलास की कार्रवाई बताएंगे आपको अवैध सत्तार इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में समुद्री रोड बाईपास के करीब वाकया नए तामीर शुदा लासानी सेक्रेटरीट में दो रोजा इंटरनेशनल उल्मा मशाइख काउंसिल का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत मारूफ आलमे दीन हजरत मसूद अहमद लासानी सरकार ने की। इजलास में दुनिया भर के तमाम मजाहिब के उल्मा और पैरोकारों ने शिरकत की। मुझे फख्र है कि मैं मसीही हूँ और मुझे अच्छा लगा कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आकर अमन और मोहब्बत की बात करूँ। अमन के लिए ऐसी कोशिशें की जाएं जिसमें तासुबात, नफरत और इस किस्म की मनफी जितनी भी सोचें कौम की, उन्हें इससे खारिज किया जाए ताकि लोग अमन से रह सकें। दो रोजा अजीम शान बैन अल-अक़वामी उल्मा मशाइख कॉन्फ्रेंस में अवाम की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुरीदैन के खाने पीने और रहायश के लिए लसानी सरकार की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। जब तक रूहानियत को फरोग नहीं होगा उस वक्त तक ये इनकलाब नहीं आएगा। तो वो उस वक्त होता है जब इंसान रिज़्क़े हलाल खाएगा, किसी को तंग नहीं करेगा, हराम नहीं खाएगा, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेगा, कोई नाजायज काम नहीं करेगा, तो फिर ये रूहानी अंदर सक का ये फैज जो है ये फिर खुलता है। ये दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्को कौम के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। और कोयटा की 17 साल तालिबान नौरीना